मुझे किताबें पढ़ने में बड़ा आलस आता है कोई भी इंग्लिश किताब खोलते ही या तो नींद आती है या तो सेंटेंसेस इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि कितनी बार भी पढ़ो समझ ही नहीं आता और सर दर्द करने लगता है बट बुक्स आर वन ऑफ द मेन रीजन्स वाई टू आई कैन स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली बीट इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स और स्ट्रेंजर्स आप जैसे कईयों की तरह मैंने भी अपनी पढ़ाई स्टेट बोर्ड से की है और तब मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन अब मैंने आठ साल एक कॉर्पोरेट जॉब की एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल स्पीच कॉन्टेस्ट फ्लोरिडा यूएसए में और मैं एक इंग्लिश एजुकेशनल चैनल भी चलाती हूँ द अर्बन फाइट जिसके 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और अगर ये सब एक स्टेट बोर्ड वाली बंदी कर सकती है तो कोई भी कर सकता है तो अगर आप भी चाहते हैं कि इंग्लिश फ्लुएंटली बोले तो पहले किताबें पढ़ने की आदत डालने के लिए ऐसे बुक्स चुनिए जो आसान हो और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी इसीलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे पांच तरह की किताबें जो आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप करेंगी और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगी जिसकी वजह से रीडिंग करते करते आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी भी इम्प्रूव हो जाएगी मगर उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं और इंग्लिश लर्निंग वीडियोज हिंदी में बनाऊँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें चलिए काम की बात करते हैं चलिए उन पांच तरह की किताबों के बारे में जाने जिनको पढ़कर मेरी रीडिंग हैबिट इम्प्रूव हुई है और मेरी इंग्लिश फ्लुएंसी भी टाइप वन कॉमिक बुक्स आपको याद होगा कि क्लास में जब टीचर हमें पढ़ाती थी तो हम किताबों में उन पन्नों का वेट किया करते थे जिसमें चित्र होते थे उन चित्र या फोटो या पिक्चर्स देखकर थोड़ा तो मन करता था कि वो किताब पढ़ी लें उसी तरह अगर आपको बुक्स बोरिंग लगती हैं तो पहले उन बुक्स से शुरुआत कीजिए जिसमें ढेर सारे फोटोज हो जैसे कि कॉमिक बुक्स मैंने बुक्स पढ़ना जिस कॉमिक बुक की वजह से शुरू किया है उसका नाम है टिंकल टिंकल में ढेर सारे कलर्स होते हैं सिंपल इंग्लिश होती है और सुपांडी और चाचा चौधरी जैसे कैरेक्टर्स भी होते हैं जो रीडिंग को इंटरेस्टिंग बनाते हैं तो अगली बार आप बुक्स खरीदने जाएं तो बेझिझक इस किताब को उठाएं क्योंकि ये सिर्फ बच्चों को नहीं हमको भी इंग्लिश सिखाती है शुरुआत या तो आप टिंकल मैगजीन से कर सकते हैं या तो टिंकल डाइजेस्ट से कर सकते हैं आज मैं जो जो भी बुक्स मेंशन करूंगी उन सबका एमेजॉन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आपको उस लिंक में इन सारे बुक्स की लिस्ट मिल जाएगी टाइप टू मिस्ट्री नॉवल्स अब कॉमिक बुक्स के बाद बारी आती है नॉवेल्स की पहले मुझे लगता था कि किताब जितनी मोटी होगी पैसा उतना ही वसूल होगा तो अगर दाम सेम हो तो मैं पतली वाली नॉवल कभी नहीं उठाती थी बाद में मुझे मेरे दोस्तों ने समझाया कि पहले वो किताब उठाओ जो सिंपल हो और जल्दी खत्म हो जाए क्योंकि एक किताब खत्म करने के बाद आपको एंकरेजमेंट मिलती है कि हाँ मैं भी किताब खत्म कर सकती हूँ और आप दूसरी किताब उठाएंगे तीसरी फिर चौथी और धीरे धीरे आपको कॉम्प्लिकेटेड किताबें भी आसान लगने लगेंगी तो कॉमिक बुक्स के बाद मैं आपको तीन मिस्ट्री नॉवेल्स रिकमेंड करूंगी सी ड्रू हाडी बॉयज और गूसब्स ये तीनों किताबों में सिंपल इंग्लिश है और ये कहानियाँ इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि आप जानना चाहोगे कि अगले पन्ने पे क्या लिखा है स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी तो आप खुद ये बुक्स बिना ख़त्म करे नहीं रह पाएंगे टाइप थ्री रोमांस या लव स्टोरी ई बोलने से पहले एक बार सुन लीजिए अब प्यार तो सभी को पसंद होता है आपको रियल लाइफ में आपका आइडियल पार्टनर मिला हो या नहीं रोमांटिक नॉवल्स के पन्नों के बीच में ज़रूर मिल जाएगा कुछ लव स्टोरीज को पढ़ के तो मैं रोई भी हूँ तो ऐसे स्टोरीज को पढ़ के मन भी हल्का हो जाता है इसीलिए इस टाइप में मैं आपको दो बुक्स रिकमेंड करूँगी फॉल्ट इना स्टार्स फॉल्ट इना स्टार्स वही बुक है जिसपे दिल बेचारा सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट मूवी बेस्ड है और बुक भी काफ़ी अच्छी है और दूसरी बुक है ट्वाइलाइट ट्वाइलाइट सीरीज में पांच बुक्स हैं सिर्फ पहली बुक खरीद के पढ़िए और अगर अच्छी लगे तो फिर बाकी के ट्राई करना टाइप फोर बायोग्राफीज़ आर बी ऑनेस्ट काफ़ी सारी बायोग्राफीज हैं जो मैं ख़त्म नहीं कर पाई हूँ क्योंकि एक इंसान के अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स पढ़ना थोड़ा बोरिंग हो जाता है लेकिन अगर ऑथर अच्छा हो तो बायोग्राफीज भी इंटरेस्टिंग हो जाती है तो इस टाइप में अभी के लिए मैं आपको बस दो बुक्स रिकमेंड करूँगी बॉर्न अ क्राइम जो ट्रेवनोवा की ऑटोबायोग्राफी है और इलोन मस्क ये बुक्स सिंपल भी हैं और इंस्पिरेशनल भी अब इससे पहले कि मैं आपको फिफ्थ टाइप बताऊं मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं ये वीडियो का टाइटल है फाइव बुक्स टू रीड टू इंप्रूव योर इंग्लिश वैसे ही अगली वीडियो का टाइटल होगा फाइव मूवीज टू वॉच टू इंप्रूव योर इंग्लिश तो अगर आपकी कोई फेवरेट इंग्लिश मूवी है तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और शायद मैं उसको अपने अगले वीडियो में इंक्लूड कर पाऊं टाइप फाइव रैंडम फिक्शन इस लास्ट टाइप में मैं बस उन बुक्स को मैंशन करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी रीडिंग हैबिट डेवलप की या तो रीडिंग हैबिट रीस्टार्ट की आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक ट्रस्ट मी ये पांचों बुक्स आपको बहुत पसंद आएंगी अ थाउजेंड स्पलेंडेड सन्स द एल्कमिस्ट द वाइट टाइगर डिसेप्शन पॉइंट बाय डैन ब्राउन एंड आखिरी में हैरी पॉटर हैरी पॉटर की सातों बुक्स काफी अच्छी हैं पर अगर आप बिगनर हैं तो इनको कुछ बुक्स खत्म करने के बाद ही शुरू कीजिए तो आज मैंने जो सारे बुक्स मैंशन किए हैं उन सब के एमेजॉन लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंशन में है और साथ ही साथ मैं जो किंडल यूज करती हूँ पढ़ने के लिए उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है सो हैपी रीडिंग जब आपको इंग्लिश किताबें पढ़ने में मजा आने लगेगा तो वहीं से आप अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन स्किल्स भी इंप्रूव कर सकते हैं तो सालों से मैं ये करती आई हूँ किताब पढ़ते वक्त अगर मुझे कोई सेंटेंस या डायलॉग पसंद आए तो मैं उसे अंडरलाइन करके चार पांच बार रिपीट करती हूँ कभी मुझे मर्डर मिस्ट्री नॉवल में फनी लाइन मिल जाती है या हॉरर बुक में रोमांटिक लाइन मिल जाती है ये सारी लाइनों को मैं नोटपैड में लिख कर उन्हें बोलने की प्रैक्टिस किया करती थी इसकी वजह से मुझे वो याद हो जाते और कभी कभी इंग्लिश में बात करते टाइम उन्हें यूज़ भी कर लेती थी तो आज का बोनस टिप ये है अपने फेवरेट सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करें सिंपल सेंटेंसेस से शुरू करिए और कोशिश करिए कि यही सेंटेंसेस अपने नॉर्मल इंग्लिश कॉन्वर्जेशन में भी इंक्लूड करें और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह करियर फाइनेंस और इंग्लिश लर्निंग वीडियोस हिंदी में मिलते रहें तो हमारे चैनल स्किलो हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबाना मत भूलें मैं हूँ तस्कीन तो और मिलते हैं अगले वीडियो में